सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। गुरुजी, आपने 2019 के अंदर ग्रहण योग के बारे में भी जो आगाही की थी वो आगाही अक्सर सही हुई थी। उसके बाद 2020 में भी जो सूर्य ग्रहण था उसके अंदर भी आपने जो आगाही की थी वो भी अक्सर सही साबित हुई थी। तो अब की बार 4 दिसंबर 2021 के दिन खंडग्रह सूर्य ग्रहण की समग्र सृष्टि के ऊपर क्या असर होने वाली है, इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा फोकस डालिए। चलो कोई बात नहीं, हम आपकी चॉइस के ऊपर ही प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो ग्रहण है वो ग्रहण की पोजीशन क्या है। ये ग्रहण सुबह 11 बजे से शुरू होगा, तो उस समय में देखने जावे तो मकर लग्न में शनि है, कुंभ राशि में गुरु है, वृषभ राशि में राहु है, तुला राशि में मंगल है, वृश्चिक राशि में सूर्य चंद्र बुध और केतु है, और धन राशि में शुक्र है, और नवमांश कुंडली में गुरु और शुक्र परिवर्तन योग में है, यानी कि गुरु तुला में और शुक्र धन राशि में है। दैत्य और दानव ग्रह का परिवर्तन योग बन रहा है। आकाशीय ग्रह मंडल में सबसे तेज और प्रकाशित ग्रह कोई है तो सबसे पहला नंबर आता है सूर्य का, उसके बाद गुरु का आता है, उसके बाद शुक्र का नंबर आता है। मूल ग्रहण योग में शनि मंगल का प्रतियोग बन रहा है, अग्नि और वायु तत्व का प्रतियोग हो रहा है, जिसकी वजह से इस साल ठंडी ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी की सीजन के अंदर फूल गर्मी बरसेगी, ये हमारी गारंटी है। हवामान में परिवर्तन बन रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। सृष्टि की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। उसमें भी देखने जावे तो यूरोपीय देशों की हालत बदतर से बदतर बनेगी। यूरोपीय देशों के अंदर जहाँ तक हमारा नॉलेज है, इस और इस कुंडली का जो प्रभाव है, इस कुंडली के ग्रहों की सिचुएशन की वजह से हम इतना है कि इस ग्रह की सबसे ज़्यादा विदेशों में असर होएगी, भारत में उसकी यात्रा कम मात्रा में होएगी। मगर ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर इसकी प्रतिकूल असर दिखने को मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। और वैसे भी देखने जाओ तो देश दुनिया में धर्मांतरण और लव जिहाद की वजह से यह सब पूरे साल तक ये सब्जेक्ट टॉप पर रहेगा। दृष्टांत के तौर पर जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पे इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम जैसा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है, यानी कि विश्व की जनता किसी न किसी सवालों से घिरी हुई ही रहेगी। लाभ स्थान में सूर्य चंद्र बुध केतु की वजह से हाई कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये लिख लो, हमारी गारंटी है। जो चुकादा हाई कोर्ट ने दिया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वार करेगी और ऐसा बोलेगी कि ये चुकादा ऐसे नहीं दिया जा सकता, इस चुकादे को इस तरह से देना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी जो क्वेश्चन है उनके अंदर भी तनाव हमको दिख रहा है। विनाश की वजह से पूरे सृष्टि के अंदर नव सर्जन का योग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इस कुंडली के अंदर पराक्रमेश गुरु दूसरे स्थान में ही, यानी पराक्रमेश पराक्रम स्थान से 12वें भाव में, और कर्मेश शुक्र 12वें भाव में,
और गुरु और शुक्र की दृष्टि छठे और आठवें स्थान में पड़ने की वजह से देश और दुनिया के अंदर धर्मांतरण का मुद्दा पूरे साल तक रहेगा। कुछ लोग अपने धर्म की हा हा करेगा, हा में हा करेगा, और कुछ लोग अपने धर्म के विरुद्ध जाएगा। ये इस कुंडली का सबसे बड़ा पुरावा है। तो मगर ऐसे योग के अंदर भी देखने जावे तो कुछ राष्ट्र, कुछ मुस्लिम राष्ट्र हिंदू बनेंगे, ऐसी हमारी एक गारंटी है। जैसे कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर देखने को जावे तो वर्तमान समय में जो पोजीशन बन रही है, पूरा राष्ट्र हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय के अंदर वो पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी हमारी गारंटी है। और उसके अलावा भी कई मुस्लिम लोग भी अपने धर्म परिवर्तन के अंदर हिंदू लोग बनते हुए आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म का उद्देश्य दया, करुणा और ममता, ये तीन जो क्वेश्चन है, ये लोग जो समझ रहे हैं, ये लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, वो ही हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तन होएगा। और इस साल देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग हिंदुओं में परिवर्तन होएंगे, ये हमारी गारंटी है। और देखने जाओ तो महंगाई का जो प्रश्न है, यानी कि आर्थिक विकास पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। आर्थिक विकास का जो ग्रह है वो अष्टमें सूर्य, चंद्र, सूर्य, बुध, केतु के साथ होने से भारत का नाम पूरे विश्व में अमर होएगा और भारत टॉप पर रहेगा। सभी देश नरेंद्र मोदी जी की सहला से आगे बढ़ने की कोशिशें करेगा और भारत को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा। और आने वाले समय के अंदर भी देखना पड़ेगा कि जो कार्य पिछले 70 साल के अंदर नहीं हुआ था, वो कार्य नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर होएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। क्योंकि नवमांस कुंडली के अंदर भी गुरु और शुक्र का परिवर्तन हो गए, परिवर्तन योग की वजह से संसार का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन की वजह से देश के अंदर एक अच्छी सी प्रोग्रेस अपने देश के अंदर देखने को मिलेगी और विश्व में भी देखने को मिलेगी। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से 4 दिसंबर 2021 का खंडग्रास सूर्य ग्रहण की कुंडली क्या संकेत देती है, इसके बारे में हमने ये प्रोग्राम कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति